औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। ये तो जनाब इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। अक्सर भाई ये पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी रबता होता है तो पूछते हैं क्वेश्चन। उनके अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि अगर गाड़ी के बगैर हम वीज़ा लेना चाहते हैं तो क्या करें या कैसे। तो उसमें मेरा रिप्लाई जो होता है अक्सर, उसके साथ साथ ये रिप्लाई भी होता है कि वीज़ा उस कंपनी से लें जिस कंपनी में गाड़ी डन बेस पे या ठेके पे मिलती हो, कमीशन या सैलरी प्लस कमीशन वाली कंपनी में ना जाए। तो अक्सर भाई पूछते हैं जी ये क्यों आप कहते हैं, इसकी थोड़ी सी वजाहत करें कि हम सैलरी पे या कमीशन पे या कमीशन प्लस सैलरी पे क्यों ना जाएं। तो ये इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल से, बहुत अहम होने वाली है वीडियो ये। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुँच सके। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, बहुत शुक्रिया। आते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं ये रेकमेंड इसलिए करता हूँ कि अपने जो मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक मुझे अक्सर ड्राइवर्स मिलते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे गपशप होती रहती है, तो कोशिश यही होती है मेरी कि जो जेन्युइन ग्राउंड रियलिटी की इन्फॉर्मेशन है ना वो लेकर फिर उसके मुताबिक वीडियोस बनाऊं ताकि आप तक वो पहुँचे। तो अक्सर ड्राइवर से मिलता रहता हूँ जो सैलरी पे हैं या कमीशन पे हैं या सैलरी प्लस कमीशन पे हैं। तो उन सब के रिव्यूज़ के मुताबिक जो है ना, उसके बाद मैंने ये फैसला किया कि जो सबसे अच्छा काम करके मतलब पैसे जो अच्छे कमा रहे हैं वो ड्राइवर वही कमा रहे हैं जो डन बेस पे या ठेके पे गाड़ी चलाते हैं कंपनी के साथ। अक्सर भाई ये भी पूछते हैं कि ये डन बेस क्या है, आप क्या कहते हैं। तो इसकी थोड़ी सी मैं वजाहत कर दूं कि ये 24 घंटे के पैसे डन होते हैं कंपनी के साथ, 300 है, 400 है, 350 है, जितने भी जो काम के मुताबिक रेट्स ये अप डाउन होते रहते हैं। और ये पूरी कंपनी के होते हैं, एक जैसे होते हैं ये, मतलब मुख्तलिफ नहीं होते ड्राइवर्स के। ज़्यादातर कंपनीज के जब भी चेंज होते हैं सब ड्राइवर्स के लिए चेंज होते हैं। तो 24 घंटे का होता है ये। इन पैसों के अलावा हमने कंपनी को कोई पैसा नहीं देना होता उस गाड़ी का जो चलानी है। उसमें ड्राइवर्स ने एक पेट्रोल डालना होता है काम करने के लिए, दूसरा ड्राइवर्स ने उसके फ्रंट के ब्रेक पैड चेंज करने होते हैं, तीसरा ड्राइवर ने इंजन ऑयल चेंज करना होता है। ड्राइवर चाहे एक हो चाहे दोनों हो, ये तीनों खर्चे ड्राइवर्स करेंगे, ठीक है। दो होंगे तो डिवाइड कर लेंगे, एक होंगे तो वो अकेला देगा सारे खर्चे, ठीक हो गया। इसी तरह जो ठेके के पैसे हैं वो भी अगर दो होंगे डिवाइड हो जाएंगे, अकेला होगा तो वो अकेला देगा। इसके अलावा गाड़ी का मुल्किया, गाड़ी के टायर, गाड़ी का मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें कंपनी ने करनी होती हैं। बैक वाले पीछे वाले जो ब्रेक पैड हैं वो कुछ कंपनीज चेंज करती हैं, कुछ कंपनीज ड्राइवर से कहती हैं आप करवाएं, इसमें डिफरेंट रूल है, ठीक है। बाकी चीज़ें जो मुल्किया हो गया, गाड़ी का टायर और मेंटेनेंस, ये जो है ना मतलब करती है कंपनी करती है, ठीक है। तो ये डिटेल थी इस बारे में। बाकी जो डन बेस की बात कर रहे थे हम, तो उसमें जो है ना सैलरी या ज़्यादातर अगर सैलरीज रखेंगी कंपनी तो 2,000-2,500 रखती हैं। 2,500 के ऊपर बहुत कम कंपनी सैलरी देती हैं, या तो ड्राइवर पुराने हैं जिनको सैलरीज अच्छी मिल रही हैं इसे ऊपर, नहीं तो इतना ही 2,500-3,000। और वो भी उसमें ये होता है कि उसमें टारगेट देते हैं ड्राइवर को ना एक, कि इतने पैसे आपने करेंगे तो आपको इतनी जो सैलरी आपको 3,000 है या 2,500 या जितनी भी रखी है उन्होंने तो ये सैलरी आपको मिलेगी। अगर आप इससे कम टारगेट करेंगे महीने में तो आपको उसी हिसाब से सैलरी कम मिलेगी, आपकी सैलरी काटी जाएगी जितना काम आप टारगेट करेंगे। तो ये तरीका कर रहा है सैलरीज का। मुकम्मल डन बेस पे सैलरी के मतलब 3,000 है या 3,500 है या 2,500 है वो बहुत कम कंपनीज देती हैं कि काम थोड़ा करें या ज़्यादा इतनी सैलरी आपको मिल जाएगी, वो बहुत कम कंपनीज हैं। पुराने ड्राइवर हैं कोई शायद ले रहे हो, नहीं तो ऐसा नहीं कंपनीज करती, क्योंकि अगर वो ड्राइवर काम ही नहीं सही तरीके से हो रहा ड्राइवर का तो वो कंपनी अपने पास से तो नहीं सैलरी देगी, उन्होंने तो कमाना है। तो इस वजह से सैलरी से मैं मना करता हूँ। दूसरी चीज़ आगे आ जाए, कमीशन। कमीशन पे भी यही है कि कमीशन पे तो सारी बात आप जितना काम करेंगे उसकी परसेंटेज निकलेगी, ठीक है। तो उस ये जो सैलरी और कमीशन में होता है कि पेट्रोल वगैरह भी कंपनी का होता है, गाड़ी के टोटल खर्चे कंपनी के होते हैं। इस वजह से कंपनी ने फिर जितना भी टोटल होता है उसमें से पेट्रोल भी निकालती हैं कंपनीज, गाड़ी के खर्चे भी निकालती हैं, उसके बाद जो बचता है उसकी फिर आगे कमीशन बना के तो फिर ड्राइवर्स को देते हैं। तो वो मतलब कि ये सारी चीज़ें निकालते निकालते जितना को बंदा काम किया होता है ना वो समझिए आधे पैसे तो इस तरफ निकल जाते हैं, ठीक है।
तो इस वजह से जब बाद में कमीशन बनती है ना, तो उस हिसाब से भी इतनी को अच्छी सैलरी नहीं बनती ड्राइवर्स की, ठीक है। और दूसरा वो 30% या 35% या 25% जितना भी देते हैं वो भी टारगेट के हिसाब से देती हैं ज़्यादातर कंपनीज। जितना आपने टारगेट ज़्यादा किया होगा तो ज़्यादा परसेंटेज मिलेगी, कम किया तो कम परसेंटेज मिलेगी। तो ये सारा जो इसी मतलब कि ये एक वो सर्कल बन जाता है कमीशन का और सैलरी प्लस कमीशन का। तो सैलरी प्लस कमीशन वाला ये है कि उसमें 1500 ज़्यादातर 1500 ही सुनते हैं सैलरी फिक्स रख देते हैं कंपनीज कि जी इतनी आपकी फिक्स सैलरी है, इससे ऊपर ये टारगेट है, इस टारगेट से ऊपर जितना आप काम करेंगे उसकी आपको कमीशन भी मिलेगी, ठीक है ना। उस टारगेट को छोड़ के मतलब एक मिसाल है 8000 टारगेट कंपनी ने रखा है तो 8000 की कमीशन आपको नहीं मिलेगी, 8000 से ऊपर आप जितने करेंगे उनकी कमीशन मिलेगी। तो वो भी एट द एंड वही जाता है 2000, 2500, 3000, वो भी अगर कंपनीज दें तो, ठीक है। हालिया तो ये कोई मेरे ख्याल से कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है, दो मुझे दोस्त मिले थे तो उनको जो है ना कंपनी 1500 ही दे रही थी सैलरी। एक ने तो बोला था कि इस महीने मैंने 10,500 किया, 10,000 से ऊपर पैसे किए हैं, फिर भी कंपनी ने कहा है जी आपकी तो 1500 ही बनती है, कमीशन नहीं बनती, क्यों हमारी गाड़ी के खर्चे इतने हैं, इतने में तो गाड़ी के खर्चे नहीं पूरे होते, तो आपकी कमीशन तो तब बनेगी जब आप खर्चों से ऊपर जाएंगे। तो ये उन्हें को पक्का टारगेट नहीं बताया था उन्होंने कि इतने से ऊपर हम आपको कमीशन देंगे। हालांकि वीज़ा लेने से पहले उनकी बात यही हुई थी कि सैलरी प्लस आपको कमीशन भी मिलेगी। इस वजह से मैं इन तीनों चीज़ों से मना करता हूँ, इन तीनों कामों में ड्राइवर 2000, 2500, 3000 इससे ज़्यादा ड्राइवर नहीं कमा सकता। 3000 तक भी, 3000 या 3500 तक भी वो ड्राइवर जाता है जिसकी कंपनी बहुत ही अच्छी हो और दूसरा वो काम करने वाला पुराना ड्राइवर बहुत अच्छा काम करने वाला हो, ठीक है। ज़्यादातर यही रूटीन है, शायद कोई 5000 भी ले रहा हो ड्राइवर वो एक अलहदा मैटर है, कोई 1, 2, 4, 10, 20 ड्राइवर्स की बात नहीं हो रही, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एवरेज में यही सीन चल रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जो ठेके वाला चक्कर होता है ना उसमें ये नहीं कि लॉस नहीं, लॉस भी हो सकता है, किसी दिन बंदा वो पैसे पूरे भी नहीं कर पाता, ये काम पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एट द एंड जब पूरे मंथ की आप एवरेज निकालेंगे ना तो वो ड्राइवर के लिए बेस्ट रह जाता है। अगर ड्राइवर काम ज़्यादा मेहनत करता है ना, अपने काम को टाइम ज़्यादा देता है, उसका यहाँ पर उसको फ़ायदा होता है, उसने कंपनी वही पैसे देने हैं जो उसकी मंथली डन हो चुका हुआ है, चाहे वो 12 घंटे की शिफ्ट में है चाहे 24 घंटे में है, ठीक है ना। अगर 12 में है तो आधा देगा गाड़ी के, अगर 24 में है तो सारे देगा। उसमें ये है कि उसकी अपनी हिम्मत है वो कितना काम कर सकता है, जितना काम करेगा उसका उसको रिवार्ड उतना मिलेगा। दूसरी तीनों ऑप्शंस में वो अपना हिम्मत करके ज़्यादा काम करके ज़्यादा रिवार्ड नहीं उसको हासिल होगा। इस ऑप्शन में अगर वो मेहनत ज़्यादा करता है तो उसको उसका सिला भी ज़्यादा मिलेगा। इस वजह से मैं बात करता हूँ ठेके वाली या डन बेस वाली, कि कंपनी से शायद किसी ना किसी पुरानी कंपनी में भी आपको वीज़े मिल जाएं, क्योंकि ये ड्राइवर्स की हायरिंग होती रहती है, गाड़ियाँ नहीं आती रहती हैं, कोई छोड़ के जाता रहता है, इसी तरह ना कंपनीज को ड्राइवर्स की ज़रूरत होती है, लेते रहते हैं, कभी ना कभी चांस चलते रहते हैं। तो लेकिन ये है कि बार बार इस वजह से मैं कहता हूँ कि कंपनी उसमें वीज़ा ले जो कंपनी आपको डन बेस पे गाड़ी देने पर एग्री हो, उस वीज़े पे आपकी जो मेहनत की हुई है स्टार्टिंग पे भी, वीज़ा लेना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना, RTA कार्ड बनाना, 6-7-8 महीने इसमें टाइम पीरियड लगता है, पैसा लगता है, तब जाके आप गाड़ी पे बैठते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप वही 1500-2000 कमाने लग जाएं तो फिर इस सारे सिस्टम का सब कुछ करने का क्या फ़ायदा, मेरी तो समझ में नहीं आता। तो इस वजह से मैं बात करता हूँ कि आप गाड़ी ठेके पर या डन बेस पर जो कंपनी देती हो उस कंपनी से वीज़ा लें। तो ये कुछ डिटेल थी जी इस बारे में। तो चैनल पर नए हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो उसी वक्त आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह निगहबान।